आज हम डिस्कस कर रहे हैं एफल इंडिया के बारे में। अगर मैं इसके बिज़नेस मॉड्यूल की बात करूं तो दो लाइन में हम कह सकते हैं कि जो भी हम एडवर्टीजमेंट देखते हैं, चाहे मोबाइल पे या डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की मैं बात कर रहा हूं, वहां पे जो एडवर्टीजमेंट आती है वो इसी का रेवेन्यू मॉडल है। यानी जो एडवर्टीजमेंट यहाँ पर देखी जा रही है, एफल इंडिया इसी एडवर्टीजमेंट में डील करती है कि वहाँ पे वो कस्टमर्स को रीच करे कंपनी के प्रोडक्ट्स, कंपनी के सर्विसेज। यही इसका एक लाइन में इंट्रोडक्शन है। आज हम कंपनी के फाइनेंशियल यहाँ पे देखेंगे और जैसा कि आप देख रहे हैं कि क्वार्टर वन के रिजल्ट्स आए हैं, यहाँ पे 90% इंक्रीज दिखा है प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर। अगर हम क्वार्टरली प्रॉफिट की बात करते हैं तो मैं आपसे डिस्कस करके बताऊँगा कि ये इंक्रीज़ नहीं है। अगर हम पिछले क्वार्टर से बात करते हैं, JFM क्वार्टर मार्च 2021 का, तो उसके मुकाबले अच्छा खासा यहाँ पर डाउनफॉल है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि हमने इसमें अभी परचेजिंग करी है और प्रमोटर लगातार शेयर सेल कर रहे हैं, जो इसमें मुझे नेगेटिव लगता है। और मैनेजमेंट की सैलरी की बात करें तो वो मुझे यहाँ पे ठीक ठाक लगती है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात मुझे नहीं लगती। तो कुछ नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव बातें हैं, दोनों ही चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। वीडियो आपने अभी तक लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे आप पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सबसे पहले अगर हम देखते हैं, इसका आज ही रिजल्ट आया है कुछ टाइम पहले ही, तो 90% यहाँ पे ईयर ऑन ईयर यहाँ पे प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। अभी इंक्रीज होके लगभग ये 36 करोड़ हो गया, जो कि पहले था लगभग 19 करोड़। और वहीं पे अगर देखते हैं हम रेवेन्यू को, वो भी बढ़ा है लगभग 70% से 152 करोड़। लेकिन ये कंपैरिजन है ईयर ऑन ईयर। अब मैं आपको सिक्के का दूसरा पहलू बताता हूँ कि अगर हम क्वार्टरली परफॉर्मेंस की बात करते हैं, तो उससे पहले अगर हम कंपनी का शेयर प्राइस देखते हैं तो एक स्मॉल कैप साइज़ की कंपनी है, ओनली 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है। प्राइस काफ़ी अभी डाउन हो गया है, ऊपर से हाई की बात करते हैं तो 6200 के लेवल से लगभग 33% डिस्काउंट पे हमने अभी इसको ख़रीदा है, 4100 समथिंग के लेवल पे। अगर आपने मेरा डायमंड मेंबरशिप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे ज्वाइन बटन है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैं आपको अपनी स्विंग ट्रेडिंग एंड अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बताता हूँ। अब अगर अपने लो से देखते हैं तो लो से ही अच्छा खासा भी बढ़ा हुआ है, मोर देन 200%। स्टॉक का पी 73 है, जो कि कुछ टाइम पहले यहाँ पे 100-150 तक पहुँचा था। डिविडेंड यील्ड कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक अभी ग्रोइंग कंपनी है, स्मॉल कैप है, तो ये कैपिटल अपना रेज कर रही है। ऐसा नहीं कि जो पैसा कमाया वो शेयर होल्डर्स में बांट दिया, तो ये डिसीजन इनका ठीक लगता है मुझे। अब अगर हम 6 महीने के परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो 6 महीने पहले आप देख सकते हैं लगभग 4100-4200 का लेवल था, और जिन्होंने फरवरी में एंट्री करी है यहाँ पे, यानी 12 फरवरी के बाद, उनको अभी पिछले 6 महीने में लगभग लॉस ही हो रहा है। चाहे उन्होंने 5000 पे ख़रीदा हो या 6000 पे, कुछ लोगों ने तो यहाँ पे भी एंट्री करी होगी 6000 पे, तो उनको अभी अच्छा खासा यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो इसलिए मैं आपको हमेशा बताता हूँ, जब शेयर भागता रहता है तो उससे हम थोड़े दूर रहते हैं। हालाँकि जब हमने ख़रीदा हुआ है शेयर तो ऑब्वियस सी बात है हम धीरे धीरे वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। लेकिन कोई शेयर 1000 से 4000 चला गया और मुझे कोई बोलेगा कि 3000-4000 पे ख़रीद लो बिल्कुल अपने पीक लेवल पे, तो वो मुझे समझ में नहीं आता है, जब तक कि मुझे उसमें डिस्काउंट ना मिले अपने प्रीवियस पीक लेवल से। तो यहाँ पे लगभग 6000 के लेवल से हमें 33% के डिस्काउंट पे हमने यहाँ पे माल ख़रीदा है। पी रेशियो की बात करें तो आप देख सकते हैं 150-160 पहुँचा था, जो कि अब इसका एवरेज पी की बात करते हैं 75 का है, तो उसी के आसपास अभी चल रहा है। 73 का पी हमने देखा था। यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बताऊंगा कि जो प्रमोटर ने शेयर सेल करे हैं वो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 20 की हम बात कर रहे हैं, उस लेवल पे ही प्रमोटर ने बेचना स्टार्ट किया था। तो यानी प्रमोटर ने यहाँ पे 3700-3800 में शेयर बेचे हैं, फिर ये शेयर इंक्रीज हुआ तो यहाँ पे भी प्रमोटर ने बेचा है, 5000-6000 पे बेचा होगा। तो लगातार प्रमोटर यहाँ पे सेल कर रहे हैं शेयर, वो हम डिस्कस करेंगे। अब उससे पहले हम यहाँ पे रिजल्ट देख लेते हैं। अगर हम कंपैरिजन करते हैं पिछले क्वार्टर से, मार्च 2021 जून 2021, तो यहाँ पे रेवेन्यू थोड़ा सा इंक्रीज ज़रूर हुआ है, सेल्स ज़रूर इंक्रीज हुआ है लगभग 5-7% से। वहीं पे नेट प्रॉफिट देखते हैं तो 59 करोड़ से डिक्रीज होके 36 करोड़ हो गया है। तो यहाँ पे अच्छा खासा फॉल है, लगभग यहाँ पे 30% प्लस का फॉल है नेट प्रॉफिट की मैं बात कर रहा हूँ आपसे। और वहीं पर अगर ये कंपेरिजन हम देखते हैं लास्ट ईयर सेम क्वार्टर से, तो वो था लगभग 19 करोड़ से अब इंक्रीज होके जून 20 में आप देख सकते हैं 19 करोड़ से इंक्रीज होके अब 36 करोड़ हो गया है यहाँ पे। तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि ईयर ऑन ईयर की अगर हम बात करें तो 100 में से 95 कंपनियाँ यहाँ पे ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन में इंक्रीमेंट ही दिखाएगी, 50-60-100%, कोई कोई कंपनियाँ 200-300-400% भी इंक्रीमेंट दिखा रही है। लेकिन इसका मेन कंपैरिजन है
पिछले क्वार्टर से सेम इसी कैलेंडर ईयर की। हालांकि यहाँ पे भी लॉकडाउन था, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लॉकडाउन नहीं था। अगर हम पिछले क्वार्टर की बात करते हैं लास्ट ईयर में, तो वहाँ पे पूरे देश में ही लॉकडाउन चला था लगभग अप्रैल मई जून में। और अगर इस करंट क्वार्टर की हम बात करते हैं जो अभी बीता है अप्रैल मई जून, उसमें भी लगभग एक महीने के आसपास लॉकडाउन था। इसके बाद अगर हम ईयरली प्रॉफिट की बात करते हैं तो यहाँ पे रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, देख सकते हैं 334 से 517 करोड़। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये भी इंक्रीज हुआ है 66 से 135 करोड़, मोर देन 100% से। तो इसलिए मेरे को काफ़ी अच्छी लगती है कंपनी। मैनेजमेंट सैलरी मैं आपको बता दूं लगभग 2.1 करोड़ है आउट ऑफ कंपनी जैक, जो सीलिंग है 4.4 करोड़। तो 2.1 करोड़ यानी 50% से भी कम सैलरी है मैनेजमेंट की, जो कि यहाँ पे एक हमें ट्रस्ट दिखाता है, कॉन्फिडेंस दिखाता है कि मैनेजमेंट प्रमोटर यहाँ पे सैलरी लिमिटेड ही विड्रॉ कर रहे हैं। लेकिन 50% है, ठीक है। स्मॉल कैप कंपनी में जहाँ पे हम देखते हैं कि जहाँ पे 20-50-100 करोड़ का प्रॉफिट हो और जो भी कंपनी एक्ट की सीलिंग हो 5 करोड़ 4 करोड़, तो मोस्टली कंपनी पूरी ही सैलरी विड्रॉ करती है। तो यहाँ पे वो लेस देन 50% है, तो मुझे ठीक लगता है। बैलेंस शीट की अगर बात करें तो 700 करोड़ का टोटल साइज है बैलेंस शीट का 750 का, उसमें से लगभग 40-45% कंपनी के पास रिजर्व्स है। बोरोइंग्स की बात करें तो 120 करोड़ का जरूर यहाँ पे बोरोइंग है, लेकिन बहुत चिंता वाली बात नहीं है। अब इसका सेलोडनी पैटर्न अगर हम देखते हैं तो आप देख सकते हैं सितंबर 20 से लगातार प्रमोटर अपने स्टेक सेल कर रहे हैं, 68 से 63.8 देन 62.6 देन 60%, यानी अच्छा खासा यहाँ पे इन्होंने डिक्रीज किया। ऐसा नहीं कि आधा 1% शेयर बेचा हो, आधा 1% अपनी होल्डिंग का, यहाँ पे लगभग मोर देन 8% का इन्होंने अपना जो स्टेक है वो सेल कर दिया है। तो प्रमोटर ने यहाँ पे 3500-4000 के लेवल से लगातार शेयर में सेलिंग करी है 6500 के लेवल तक। तो ये मुझे नेगेटिव कंपनी में लगता है, लेकिन कंपनी का यहाँ पे फ्यूचर मेरे को ब्राइट लगता है, काफ़ी यूनिक बिजनेस मॉडल है। अब मैं आपको अपना लाइव पोर्टफोलियो भी दिखा देता हूँ जो मैंने इसमें बाइंग करी है। अगर आप मेरे डायमंड मेंबरशिप के मेंबर हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिला होगा। नीचे हमारी टीम का कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो डायमंड मेंबरशिप। कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या तो फिर नीचे कॉन्टैक्ट नंबर है टीम का, उसमें आप व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। 4127 के प्राइस पे हमने लिया है। तो मैंने आपको बताया कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे प्रॉफिट डिक्रीज हुआ है। अगर यहाँ से और इस शेयर में गिरावट आती है 5-10% तक भी जाता है, तो धीरे धीरे करके हम वहाँ पे शेयर अपने एक्यूमुलेट करेंगे, क्वांटिटी हम इंक्रीज करेंगे जितना ये नीचे जाएगा। मैं आपको हमेशा बताता हूँ, मैं किसी भी कंपनी में पैसा 100 रुपये लगाना है तो मैं सीधा 100 का 100 रुपये नहीं लगाता हूँ अपना, मैं उसमें 30-30 रुपये करके लगाता हूँ। अगर सपोज़ यहाँ पे ये शेयर ऊपर बढ़ जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऊपर अगर मेरे को कंफर्ट आएगा 4200-4400-4500 के लेवल पे तो हम ऊपर ख़रीदेंगे। अगर नीचे आएगा तो ऑब्वियस सी बात है हम क्वांटिटी इंक्रीज करके वहाँ पे ख़रीदेंगे, ताकि हमारा एवरेज प्राइस वहाँ पे डाउन हो जाए। आप एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, स्टॉक मार्केट में एंटर करने से पहले स्टॉक मार्केट को समझना ज़रूरी है। वीडियो आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप चाहो तो शेयर कर सकते हो। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके भी नीचे कमेंट कर सकते हो।